के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। चुनाव की किस्ती आपकी डूब रही है तो आप ध्रुवीकरण चाहते हो, सिर्फ ध्रुवीकरण और कुछ नहीं, और कोई सहारा नहीं है आपके पास। यानी 24 के फाइनल का रोड मैप तय हो चुका है। जहां एक ओर विपक्ष मोदी को मिलकर घेरने की तैयारी कर रहा है, तो पीएम मोदी ने बता दिया कि अब की बार यूसीसी, मुसलमान, भ्रष्टाचार और परिवार पर होगा प्रहार। तब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको एक एक करके आर पार का विश्लेषण दिखाऊंगा, मोदी के शब्द बाणों का विश्लेषण, परिवारवाद एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, एम के स्टालिन, शरद राव पवार, सुप्रिया सूले, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। यानी आप एक सिरे से देखेंगे तो उद्धव ठाकरे से लेकर राहुल गांधी तक, ठाकरे परिवार से गांधी परिवार तक परिवारवाद की बेला है। और लगभग लगभग इस देश की हर परिवारवादी पार्टी मोदी के खिलाफ है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, इन सब पर बड़े बड़े आरोप हैं और इन पर सीधा हमला है। वोट बैंक, मुस्लिम यादव, मुस्लिम दलित, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक जैसे समीकरण वाले दावों पर प्रहार है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तुष्टिकरण, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ओवैसी और कांग्रेस पर इस पर चोट करने का प्रयास किया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि मोदी के तरकश से निकले तीर का सामना कर पाएगा विपक्ष, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस लाइन को बहुत बड़ा कर दिया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर आप गांधी परिवार का विकास चाहते हो तो कांग्रेस को वोट करो, अगर आप सपा परिवार का विकास चाहते हो यानी मुलायम सिंह यादव एंड फैमिली का विकास चाहते हो तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट करो, अगर आप ठाकरे एंड फैमिली का विकास चाहते हो तो फिर आप उद्धव गुट को वोट करो, और अगर आप देश का विकास चाहते हो तो फिर बीजेपी को वोट करो। मेरे साथ रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से गौरव भाटिया है, पेशी से वकील भी है, अजीज खान है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आप तीनों का अभिनंदन है। मैं एक बड़ा फेस ऑफ करता हूं, पहले मैं 60-60 सेकंड का समय आप तीनों को दूंगा। सबसे पहले रोहन गुप्ता, आपका नंबर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप गांधी परिवार का विकास चाहते हो तो कांग्रेस को वोट, और अगर आप देश का विकास चाहते हो, अपने पोते पोतियों का, अपने नाती नातिन का, अपने बच्चों का विकास चाहते हो तो भाजपा को वोट। बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा और प्रधानमंत्री के भाषणों पे जनता भरोसा नहीं करती, इसका ट्रेलर हमने कर्नाटका देख लिया। देखिए मोदी जी के आप भाषण देखेंगे अमीश भाई, ऐसे काफी उन्होंने 2022 में डेडलाइंस दी थी कि पूरे सारे देशवासियों को घर मिल जाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हमको हर घर में जल होगा, जल में नल होगा, नल में जल होगा, ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। तो ये जितने भी वादे किए थे सारे जुमले साबित हुए। और कर्नाटक की जनता ने जब चुनाव हुए तब अमीश भाई यही दो मुद्दे थे, बहुत बड़े मुद्दे थे जो भाजपा के खिलाफ थे, क्योंकि मैं कर्नाटका में रहा था, मेरे पास वो प्रेस नोट है जो मैंने खुद ने किए, जहां पे 224 में से 36 जो टिकट भाजपा की दी गई कर्नाटका में वो परिवारवाद का शिकार था, उसमें एक भी लिस्ट में आपको बताऊं चाचा, मामा, ताऊ, जीजा, साला, सारे रिश्ते हैं इसके अंदर। तो भाजपा को जवाब तो मिल गया, जनता ने दिया। जिस पार्टी के 224 में से 36 कैंडिडेट परिवारवाद का शिकार हो, वो विपक्ष के ऊपर सवाल उठाते, जनता को, उनको जनता को जवाब देना है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार की बात की, 1.5 लाख करोड़ 5 साल में जनता की जेब से 40% लूटा था और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है अमीश भाई, गौरव भाटिया अब आपका रुख करता हूं। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि विपक्ष कहता है ये परिवारवाद की बात तो बड़ी पुरानी हो गई, कोई नई बात लेके आई है? कभी आप मुलायम सिंह यादव एंड फैमिली गिनाते हैं, प्रधानमंत्री ने स्टालिन एंड फैमिली गिनाया, उद्धव ठाकरे एंड फैमिली गिनाया, लालू यादव एंड सन्स गिनाया, गांधी परिवार का जिक्र किया, शरद राव पवार का जिक्र किया, वो बोल रहे हैं इसमें नई बात क्या है, ये तो सब पुरानी बातें हैं, इससे इस बार कुछ नहीं होगा। समझ
सबसे पहले तो देखिए अमीश जी, एक बात जरूर कहूंगा, देश गौरवान्वित होता है जब उसको पता है कि उसके पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा ईमानदार, कर्तव्य परायण, निष्ठावान, मेहनती, जो वंशवादी नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री है। और एक गारंटी वो देते हैं, भारत आगे बढ़ेगा, विश्व पटल पर, शिखर पर होगा। गारंटी देते हैं कि आम आदमी जो है मजबूत होगा। और दूसरी तरफ आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक और गारंटी दी कि भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री देश के ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को सजा होगी, तो कांग्रेस पार्टी, TMC, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये लोग क्यों थर थर काँप रहे हैं? इन्होंने मान लिया है कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और इनकी तो गारंटी ही भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण करने की है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, पूरे विश्व में ऐसा परिवार नहीं होगा राजनीतिक कोई, जहाँ 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर हो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गौरव, 60 सेकंड समाप्त हो गए, आगे मैं फिर आपको मौका दे दूंगा। मैं रुक करता हूँ अजीज खान का। अजीज खान साहब, क्या आपको लगता है कि अगर यादव एंड फैमिली का विकास चाहिए, यानी मुलायम सिंह यादव एंड फैमिली का विकास चाहिए, तो सपा को वोट डालिए? प्रधानमंत्री ने लाइन बड़ी खोल दी है, क्या कहना चाहते हैं? जी नहीं, माननीय मोदी जी को लोग सुनते हैं, उन्होंने लाइन बड़ी खींची, इसमें कोई दोराय नहीं। 9.5 साल हो गए माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने देश का बड़ा विकास किया, इतना विकास कर दिया कि बुलेट ट्रेन चलने लगी, महंगाई खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, 2 करोड़ नौकरी हर साल लोगों को मिल गया। भाई सारे वादे तो पूरे कर लिए। भाई विपक्ष तो गड़बड़ है ही है, विपक्ष ने तो जो कुछ किया उसको भुगत रहा है। आपने जो वादा किया था 6 दिन आएंगे, कहां गए 6 दिन? आप तो जनता के लिए काम कर रहे थे ना, अगर जनता के लिए काम कर रहे थे तो जनता तो सड़कों पर है, आपके खिलाफ आंदोलन छिड़ रहा है आज, कहीं ना कहीं बेरोजगार जो है वो पूरी तरह से आपके खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहा है, और उसके बाद आपके कान तक आवाज नहीं जा रही है। आज इसी मुल्क में मणिपुर, इसी मुल्क में है, क्या हो रहा है जी? एक शब्द आप अपने मुंह से नहीं बोल सकते, ये साफ विकास है? आपके सत्ताधारी, आप पक्ष के लोग हैं, आपका विधायक धरना पर, आपका विधायक दिल्ली में लंबे वक्त से वहां पे लोग मिलने के लिए जी जी जी, आपका आपके 7 सेकंड कंप्लीट हो गए, आपको ऑडियो में डाउन कर रहा हूं। लेकिन आपने बोला कि इसमें नई बात क्या है, इसमें सब पुरानी बातें हैं, तो आप अभी भी तो यादव परिवार के साथ है, कांग्रेस गांधी परिवार के साथ है, DMK करुणानिधियन फैमिली के साथ है, ये तो स्पष्ट ही है, और RJD लालू यादव एंड फैमिली के साथ है, तो मतलब बात पुरानी होगी लेकिन कहानी तो आपकी यही है अभी तक। गौरव भाटिया, आपका रुख करता हूं मैं, क्या आपको लगता है जिस तरह से प्रमोद तिवारी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी हताश हो गई है, अब चला चला की बेला है, इसीलिए ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इसीलिए पोलराइज किया जा रहा है, उन्होंने जो शब्द यूज किया, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, उन्हें बोला कश्ती डूब रही है। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण पे प्रवचन देगी, हाँ? जिनके प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले की प्राचीर से कि पहला हक मुसलमानों का है, तुष्टिकरण करते हुए शाबानों का केस याद है, सर्वोच्च न्यायालय ने 60 साल से ज्यादा की एक मुस्लिम महिला को भत्ता दिया तो उसके खिलाफ एक पार्लियामेंट ने कानून पारित किया। और मैं इतना ही कहूंगा अमीर जी, अभी मैं सुन रहा था, देखिए सपा के लिए भी मैं कहूंगा, 2022 के चुनाव तो अभी एक ही साल हुआ है, क्या हुआ? अखिलेश यादव मुंगेरी लाल बन के कह रहे थे 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, आई नहीं ना, क्यों? मुहर लगी। और 2019 में सपा ने गठबंधन किया बसपा से, सीटें कितनी आई थी? 5 उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें हैं लोकसभा की, 5 सीटें आई। और जहां आप कह रहे हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ट्रेलर बता रहे थे, गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई, उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनी, उत्तराखंड में पुनः सरकार बनी, इतिहास रचा, गोवा में बनी, असम में बनी, 2019 हम जीते, 14 हम जीते। तो आपने ट्रेलर की बात करी, हम तो ये मूवी आपको दिखा रहे हैं। मूवी का शीर्षक क्या है? भ्रष्टाचारी जेल में, बचने वाले नहीं है, इसीलिए आपको डर लगता है। और आपसे तो मैं ये पूछूंगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, तीनों बेल पे बाहर, जवाब जवाब लेते हैं।
आप लोग देश को नेतृत्व देंगे। रोन रोन गुप्ता, पॉइंट ये है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक तरफ भ्रष्टाचार की गारंटी है, वो भी छोटा मोटा नहीं, 20,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की गारंटी है, और वो कहते हैं गारंटी मैं भी लेता हूं इन तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का, और आप कहते हैं कि हमारे पीछे ईडी छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उसी को ही अपनी सीडी बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वार करेंगे, बताइए क्या करिएगा। देखिए मोदी जी की यह बात भी जुमला साबित हो रही है, और मैं मानता हूं मोदी जी बोलते हैं अगर करके दिखाते तो शुरुआत करें, 9 साल में तो उनके सारी बातें जुमला साबित हुए, शुरुआत करें, 56 इंच की छाती दिखाए और कर्नाटक में जो 1.5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है उन्हीं की सरकार के उसके ऊपर एक्शन लेके दिखाए, फिर जनता को उनकी बात पर भरोसा आएगा। ये सारे जो है पापी जो है भाजपा में ही क्यों जाते हैं, ऐसा तो कौन सा वॉशिंग मशीन है, साथ ही धुल जाते हैं, करके दिखाए ना 1.5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, ऑन पेपर है कर्नाटक में, एक्शन ले, जनता भरोसा करेगी। देखिए मुद्दा यहां पे अमीश भाई आपका एक बड़ा शो है, मैं पूरी देश की जनता को कहना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी आज मोदी जी की बात पे देश ने भरोसा किया, अच्छे वक्ता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश ने भरोसा किया, उन्होंने अपने शासन के वादों से लोगों का वोट जीता, उन्होंने कांग्रेस खराब है इसके लिए वोट नहीं मांगा था। आज आप 9 साल के बाद में देखेंगे इस तरफ मणिपुर जल रहा है, पूरे देश में महंगाई बेरोजगारी, एक भी मुद्दे पे कॉन्क्रीट रिजल्ट भाजपा नहीं दे पाई है, और यहाँ पे उनके मेन लीडर कौन थे कर्नाटक में, मोदी जी थे, उनके शासन में लड़ा गया, उनके नेतृत्व में लड़ा गया, हार क्यों हुई और हम लोग खुश है। देखिए विपक्ष होने के नाते मैं विनम्रता से बात का स्वीकार करता हूं कि मुझे खुशी है कि आज भी भाजपा हवा में है, आज भी 303 ओके हवा में बीजेपी है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, हवा में भारतीय जनता पार्टी है, हवा में भारतीय जनता पार्टी है, आपके एक नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की कश्ती डूबने वाली है, रोहन गुप्ता सेज की बीजेपी हवा में है, हम अहंकार से नहीं बोल सकते कि हम 300 हवा में है, किसका अहंकार है, जनता तय करती है। जी 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 गौरव भाटिया रोहन जी अब फुल स्टॉप लगाइए ना, ओके गौरव जवाब। देखिए हवा से याद आया राहुल गांधी नामक गुब्बारे में, तो हवा भरते भरते थक गए ये प्रवक्ता बेचारे हैं, और उसके बाद भी उसमें इतने छेद हैं कि हवा निकल जाती है, राहुल गांधी नामक गुब्बारा उड़ता ही नहीं है अमीश। और ये हवा की बात करेंगे, अरे हवा में तो आप उड़ रहे हो, हवा हवाई राजनीति कर रहे हो, शर्म नहीं आती है। हम तो News 18 पर अमीश देवगन के सामने डंके की चोट पे कहते हैं दो गारंटी, एक गारंटी 2024 में जनता पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देके प्रधानमंत्री बनाएगी, दूसरी गारंटी 303 सीटों से ज्यादा आएंगी। मैं कहता हूं अमीश जी दमखम है, रोहन गुप्ता से अभी पूछिए कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस पार्टी की, सिर्फ पूछ लीजिए, मैं जानना चाहता हूं। और क्या राहुल गांधी जो विपक्ष इकट्ठा कर रहा है ये मार्ग, अखिलेश यादव तो बता रहे हैं कि इस बार 80 में से 80 हमारी आएंगी, अखिलेश यादव सीटें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं 80 में से 80 हमारी आ रही है। अच्छा मैं 10 सेकंड मैं बड़ा व्याकुल था सपा की बात का उत्तर देने के लिए भी, हाँ 10 सेकंड नहीं 30 सेकंड लूंगा। सबसे पहले दो पिछले साल के विधानसभा चुनाव में 300 सीटें मुंगेरी लाल बता रहे थे आई नहीं, 100 के आसपास ही आ पाई, और उसके अलावा आप इनसे पूछिए भ्रष्टाचारियों से, गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट घोटाला किया, उसके अलावा आप इनसे पूछिएगा जरूर जो मैं कहने जा रहा हूं, सफाई महोत्सव 2017 के बाद क्यों नहीं हुआ, सरकार गई सफाई महोत्सव बंद हो गया, वहां दंगों में ऋतिक रोशन का डांस चलता था, आजम खान की भैंसे ढूंढी जाती थी, आप बताइए क्या ऐसी पार्टी को कोई चुनना चाहेगा जो दंगा भी करवाए और उसके बाद कार्रवाई ना करे और सफाई महोत्सव करे। अजीज खान जब नरेंद्र मोदी इसका जवाब, जब नरेंद्र मोदी ये लाइन लेते हैं कि इन पार्टियों में सिर्फ परिवारवाद है और कुछ नहीं है, तो उसमें वो गलत क्या कहते हैं, हम सब जाते हैं मुलायम सिंह स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का परिवार सेट हुआ है समाजवादी पार्टी में, लालू यादव जी का परिवार सेट है आरजेडी में, और मोतीलाल नेहरू जी का परिवार सेट है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ठाकरे परिवार सेट है उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के अंदर, करुणानिधि जी का परिवार सेट है DMK के अंदर, तो परिवारों की तो सेटिंग है ही वहां पर, तो उसमें इसमें आप इसमें ऊहापोह इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं, बात तो रियलिटी है ना, सच है ये, अगर इसमें कोई झूठ है तो बताइए। आपके पार्टी में तब से अब तक, यानी जब से आपकी पार्टी का उदय हुआ अब तक, अगर कोई गैर इस परिवार का अध्यक्ष रहा हो तो जानकारी दे दीजिए, आज मुंह बंद करिए गौरव भाटिया का, प्रधानमंत्री मोदी का आप। जी 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 देखिए अमीश जी, पहली बात तो मैं गौरव भाटिया को यह बता दूं
कि मुझे लग रहा सत्ता का नशा बहुत ठीक नहीं होता है और ये घमंड नहीं होनी